बार पहली बार लड़ाई देखने को मिल रही है आईपीएल 2022 की लड़ाई में। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान रॉयल्स और बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के बीच में यह लड़ाई देखने को मिली है। यहां पर राजस्थान रॉयल्स बल्लेबाजी कर रहा था और 20 ओवर चल रहा था। हर्षल पटेल गेंदबाजी कर रहे थे और रियान पराग स्ट्राइक के ऊपर थे। जब रियान पराग ने 18 रन आखिरी के ओवर में मारे और लास्ट बॉल के ऊपर जब छक्का जड़ा तब वह डगआउट की तरफ जा रहे थे और उसी समय हर्षल पटेल ने पीछे से कुछ कहा और इसी दरमियान दोनों की आपसी बहस भी हो गई। साथ ही युवा साथियों ने उन दोनों को अलग किया और वहां पर शांति का माहौल भी बनाया है। क्या ये मामला बयां कर रहा है, क्या कुछ हर्षल पटेल और रियान पराग के द्वारा देखने को मिला है, सीधा आप सभी को इस रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। तो नजर डालते हैं इस रिपोर्ट की ओर। आईपीएल में मंगलवार को राजस्थान और बैंगलोर के बीच में खेले गए मुकाबले में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए तो दरअसल राजस्थान रॉयल्स की पारी का आखिरी ओवर हर्षल पटेल करने आए थे और इस ओवर में रियान पराग ने 18 रन बना दिए। पारी की आखिरी गेंद पर रियान पराग ने हर्षल पटेल को मिड विकेट पर शानदार छक्का जड़ा और डगआउट की ओर जाने लगे। तभी हर्षल पटेल दौड़ करके आए पराग पर चिल्लाने लगे। इसके बाद रियान ने पलट करके जवाब भी दिया। हर्षल के साथ मोहम्मद सिराज भी पराग से लड़ने चले आए। झगड़ा बढ़ता देख राजस्थान के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक ने मामले को शांत कराया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। मैच खत्म होने के बाद भी जब पराग हर्षल के हाथ मिलाने गए तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। अभी तक इस सीजन में ऐसी लड़ाई देखने को नहीं मिली थी और आरआर की पारी के आखिरी ओवर में रियान पराग ने शानदार बल्लेबाजी की थी और 18 रन भी बनाए थे।